फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो आज की रेसिपी क्या है आप देखिएगा, और अगर पसंद आती तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो। ये देख सकते हैं आज त्योहार, मतलब इस समय त्योहार है तो त्योहार वाली पूड़ियाँ तो बनती हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे दो प्रकार की पूड़ियाँ, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी मसाला पूड़ी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये हमने एक बाउल दाल ली थी, चने की दाल, इसको हमने भिगो दिया था ओवरनाइट के लिए। और अब इसे हम धुल लिए हैं अच्छे से। तो ये 5 से 6 मिर्च ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, और इनको अब अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं दाल इतनी अच्छे से हमारी भीग गई है कि उसमें आपको देख रहे होंगे नेल से जब हम कट कर रहे हैं ना, तो ये अच्छे से कट हो रही। तो देखिए सारे मसाले हम इसमें डालकर, कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे थोड़ा सा, और जीरा डाल देंगे, और धनिया पाउडर, हींग, ये देख सकते हैं, और इसमें डाल देंगे हम चाट मसाला, और डाल देंगे हल्दी पाउडर और गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डालकर एक दर दरा कोर्स बढ़िया पीस लेंगे मसाले, और इसी में अब हम डाल देंगे दाल, ये देख सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, मतलब फाइन पेस्ट जैसा बना लेंगे, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे, मगर हाँ थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लेंगे। और ये एक बाउल में हम इसको डाल देंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से बाउल में हम निकाल लेंगे, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक बड़े से बर्तन में हम डाल देंगे इस तरह से अपने इसी दाल के पेस्ट को। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अजवाइन डाल देंगे, क्योंकि पूड़ी वगैरह में अजवाइन बढ़िया रहती है, इतनी पड़ी होनी चाहिए। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और डाल देंगे चाट मसाला, थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि अभी हम इसमें जो मिक्स करने वाले हैं आटा, तो उसमें स्वाद बराबर बना रहे, इसलिए अभी हम एक बाउल ले लेंगे आटा। इसी में देखिए पानी से हम डो नहीं लगाएंगे, इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे मोयन के लिए। तो पानी से हमें डो नहीं लगाना है, इसी में दाल में मिक्स करते हुए डो लगाना है, जिससे क्या होगा ना कि अच्छे से डो लग जाएगा हार्डली, और ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा जो दाल की पेस्ट थी वो और थी टाइट, आटा लगाना है। तो देखिए इसमें हमने लगभग 1.5 बाउल के करीब आटा लगा लिया है, यानी अच्छे से सख्त डो बना लेना है इस तरह से, देखिए। और हल्दी की वजह से कलर बहुत अच्छा आया है, तो देखिए सख्त डो लगा, जैसे पूड़ियों का डो लगाते हैं बस उसी हिसाब से हमें सख्त डो लगाना है। और चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे सिंपल सी हमें पूड़ियाँ बनानी होती है, देखिए ये चीज़ ऐसी है ना कि आप बच्चों को नाश्ते में भी दे सकते हैं, लंच में भी दे सकते हैं, क्योंकि मसाला पूड़ी है, अगर इसके साथ कोई सब्जी नहीं भी होती है ना तब भी बच्चे आसानी से खा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया है ताकि आपको टाइम ना लगे इस वजह से। तो इस तरह से सिंपल देखिए ऑयल लगा करके हम इसे बेल लेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम आसानी से बेलेंगे, बहुत टाइम नहीं लगता है। ऑयल लगाकर बेलें या फिर सूखा आटा लगाकर बेल लें। तो देखिए इसमें मोयन डाला है, तो ज़्यादा बार बार आपको ऑयल नहीं लगाना पड़ेगा, आप आसानी से इस तरह से बेल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, अब देखिएगा गाइस ये सारी थिकनेस देख सकते हैं इसकी, बहुत मोटी नहीं और बहुत पतली नहीं बनाना है पूड़ी को। तो अब चलिए फ्राई करके देखते हैं। तो थोड़ा सा डो डालेंगे और देख लेंगे फ्राई करके। तो ये देखिए डो अच्छे से हो गया, तो इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। देखिए पूड़ी बनानी है हमको, तो पहले हाई फ्लेम पर हम डालेंगे, जिससे कि हमारी पूड़ी जो है फूल कर ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर डालेंगे, जिससे कि लो फ्लेम पर क्रिस्पी कर लेंगे, हाई फ्लेम पर फुलाएंगे पूड़ी को और लो फ्लेम पर क्रिस्पी करेंगे। तो देख सकते हैं कलर, देख सकते हैं कितना अच्छे से गोल्डन हो गया है। बस इसी तरह से हमें पूड़ियों को उलटते पलटते सेक लेना है, क्रिस्पी बहुत टेस्टी बनती हैं, और एक भी पूड़ी आपकी ऐसी नहीं जाएगी जो आपकी पूड़ी फूले नहीं, देख सकते हैं। तो अभी हम दिखाएंगे आपको। तो ये त्यौहार में ये आप पूड़ी किसी के साथ खाएं, चाहे आलू के साथ, चपाती, मतलब आलू के साथ खाएं, या छोले के साथ, किसी भी सब्जी के साथ खाएं, या सिंपल ऐसे ही खाएं, तब भी बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगेगी, आप देख सकते हैं। इसी तरह से बच्चे चाय के साथ भी खा लेंगे, आप बच्चों को अगर ऐसे सिंपल दे देंगे, मतलब सब्जी वगैरह नहीं देंगे, उसके साथ भी खा लेंगे। तो देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी टेस्टी, और देखिए सारी की सारी पूड़ियाँ फूल कर आई है हमारी, ये देख सकते हैं कितनी खस्ता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी पूड़ियों की रेसिपी है, ये भी मसाला पूड़ी की तरह है। तो देखिए उसमें हमने चने की दाल ली थी, इसमें हमने उड़द की दाल ले रखी है। देख सकते हैं कि मसाले में हमने क्या क्या लिया है, ये भी देख लीजिए, ये देख सकते हैं। सौंफ ली है 1 बड़े स्पून, क्योंकि इस समय गर्मियाँ हैं। 2 बड़े स्पून धनिया लिया है, कुछ सूखे मसाले, दालचीनी टुकड़ा, और ये है हरी इलायची और बड़ी इलायची, काली मिर्ची, लौंग, ये मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हींग
लाल मिर्ची पाउडर और कस्तूरी मेथी जीरा, ये सारे मसाले हमने ले लिए हैं। सिंपल सा आप इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। दाल को हमने पहले पोंछ लिया था, पोंछ कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, ये सारे मसालों को इस तरह से डालकर ग्राइंड करेंगे और साथ में दाल को भी ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये अच्छे से मतलब नहीं पीसना, बिल्कुल बहुत फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है, जिससे क्या होगा ना कि दरदरा होगा तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्रंची लगेंगी पूड़ियाँ, क्रंची बनेगी। तो देखिए इस तरह से हम आटा ले लेंगे, थोड़ी सी पूड़ियों क्वांटिटी में ज़्यादा है तो देख सकते हैं, एक बाउल आटा ले लिया। अब इसमें नमक डाल देंगे क्योंकि नमक ऐड करना है आटे के हिसाब से। अब थोड़ा सा मोयन ले लेंगे, ये देख सकते हैं थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हाफ बाउल ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि बहुत आटा ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये ले लेंगे पानी, नॉर्मल पानी लिया है, कोई गर्म पानी नहीं लिया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो नॉर्मल पानी में आप डो लगा कर रख लीजिए। देखिए ये डो लगा लिया है, इस डो को भी हार्ड लगाएंगे क्योंकि हम पूड़ियों का लगा रहे हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे कि पपड़ी ना पड़े इस तरह से, ये देखिए। चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो सिंपल चकले पर हम लगाएंगे ऑयल, या आप सूखा आटा यानी परथन जो बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो हमने सिंपल सा ऑयल लगाया है क्योंकि ऑयल से ये होता है ना, हमारा ऑयल गंदा नहीं होता है। ऑयल लगाकर हम अगर पूड़ियाँ बेलते हैं तो ऑयल गंदा नहीं होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, पहले सारी की सारी लोइयाँ कट करके रख लेंगे जिससे बनाने में ईजी हो। तो इस तरह से देखिए चिकनी स्मूथ लोई बना लेंगे, और ये देखिए हल्का सा लगाएंगे ऑयल और इस तरह से बेलेंगे। देखिए इस तरह से बच्चे ना जान भी नहीं पाते हैं कि उनकी न्यूट्रिशंस भी उनको मिल जाता है, यानी दाल भी उनके पास पहुंच जाती है और वो अच्छे से खा भी लेते हैं। तो देखिए बहुत थिकनेस की ये भी नहीं है, बहुत मोटी नहीं बनानी है, हल्की सी बनानी है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम सारी बना करके रख लेंगे, फ्राई करने का प्रोसेस लगभग सेम ही होगा। तो ये देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे। ये सारी जो हमने बेली हुई हैं ना, जो बताई हुई हैं पूड़ियाँ, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनती हैं, और गाइस ये बहुत ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बनती हैं। बच्चे ऐसे ही आपके मांग मांग के खाएंगे। तो उसी तरह से डो बनाकर देख लेंगे डालकर, अगर अच्छे से फूल आता है तो बस तुरंत पूड़ी डालेंगे। पूड़ी को वही सेम प्रोसेस कि हाई फ्लेम पर आपको पकाना है, जब फूल जाए पूड़ी तब इसे लो फ्लेम पर कर देना है जिससे कि अच्छे से खस्ता और क्रिस्पी बन जाए, और सारी की सारी पूड़ियाँ आपको फूल कर आएंगी, बहुत टेस्टी बनती हैं। देख सकते हैं सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल कर आएंगी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं बढ़िया इनको खस्ता क्रिस्पी कर लेंगे पूड़ियों को, इसी तरह से रेड कर लेंगे अच्छे से, ये देख सकते हैं। और फिर आप इसे किसी भी सब्जी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।